नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्री से जितने सारे कंपनीज के नाम आपको मैं दिखा चुका हूँ, उनमें से नंबर वन पोजीशन में जिस कंपनी का नाम है वो है वेदंता, मतलब विडल। तो वेदंता के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी ने जो क्वार्टर फोर का एंडिंग के बाद कंपनी जो सेल्स का रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया, तो उसके बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी के सेल्स का रिपोर्ट देखना सबसे जरूरी होते हैं। क्योंकि सेल्स का आंकड़ा अगर कम हुआ तो कंपनी के लिए बहुत प्रेशर क्रिएट होगा और मार्जिन को बचाने के लिए, और जिस तरीके से इन्फ्लुएंस ही बढ़ जा मतलब बढ़ते जा रहे हैं, उसके हिसाब से इस कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो भी देखना चाहिए। तो चलो, सारे डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में आप बने रहिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर एक बार जाना चाहूंगा। देखिए, मार्केट जो ओपन हुआ तो एक गैप अप में कंपनी का आज के दिन का प्राइस ओपन हुआ, अराउंड जो क्लोजिंग था पिछले दिन में 421.45, और आज का दिन का जो ओपनिंग है वो 425.20, और उसके बाद हाई भी सेम टू सेम ओपन हाई था आज के दिन, और उसके बाद लो किया 420। तो एक अच्छा खासा गैप अप में ओपन हुआ, तो इस गैपअप में ओपन होने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर रहेगा, ऑब्वियसली रीजन है। तो उससे पहले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 दिन में किस किस तरीके से शानदार एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। देखिए, इंडियन मार्केट फिर से रिकवरी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच जो मतलब जो जो युद्ध चल रहा था उसके कारण ऑल ओवर इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर था, तो वो सारे के सारे मार्केट धीरे 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 करके रिकवरी हो रहा है। और जितने सारे FIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जितने सारे माल बेच के भाग गए थे, मतलब जनवरी फरवरी मार्च इस 3 मंथ में जिस तरीके से माल बेचे हैं FIs ने, उसी टाइम में सबसे ज्यादा फायदा लिया DIs ने, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, उसने अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग किया है सारे के सारे कंपनीज के ऊपर। तो यहाँ पे एक मंथ के बारे में बात करें तो 8.96% का होल्डिंग यहाँ पे है, और 6 मंथ के बारे में बात करें तो 6 मंथ में करीबन 39% तक कंपनी आपको रिटर्न दिया। तो 1 साल में भी देखेंगे तो अराउंड 82% का रिटर्न। देखिए, 82% का रिटर्न कोई ऐसा वैसा रिटर्न नहीं, जबरदस्त रिटर्न माना जाता है। 1 साल के अंदर आपका 82% रिटर्न, मतलब आप सोच लीजिए आपका फंड डबल के नजदीक है। और यहाँ पे 5 साल में कंपनी 57%, 5 साल में उतना खास नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे लॉकडाउन के सिचुएशन में कंपनी गिरावट हुआ था, मगर गिरावट भी किस तरीके से हुआ वो भी देख लीजिए, अराउंड 80% तक गिरावट कंपनी के देखने को मिला। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। तो अभी क्या फिलहाल इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उससे पहले आज के दिन का जो न्यूज है और इस कंपनी का जो डेटा है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि डेटा के बेसिस से ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी में किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो चलो, वो डेटा आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं वोडाफोन आई सॉरी माफी चाहता हूँ वेदंता जो है, वेदंता लिमिटेड जो कंपनी किस कौन सा फील्ड में काम करते हैं, कंपनी माइनिंग करते हैं ज्यादातर एल्यूमिनियम और जिंक, इस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी माइनिंग करते हैं। तो देखा जाए तो वेदंता जो है वो एल्यूमिनियम और जिंक इसके आउटपुट ग्रो मतलब इसका जो माइनिंग का जो ग्रोथ है वो 8% बढ़ा चुके हैं। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, और इस अच्छा खासा ग्रोथ के कारण ही यहाँ पे कंपनी में अच्छा खासा फायदा भी होगा। तो आयरन मतलब आयरन भी आयरन और ये भी 18% ग्रोथ हुआ, कितना शानदार। मतलब जो लास्ट थर्ड क्वार्टर था मतलब Q3 का रिजल्ट अच्छा खासा इस कंपनी के आने वाला है, मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए, इस तरीके से परफॉर्मेंस होने के कारण ही बता रहा है कि कंपनी का रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में बहुत सारे कंपनी इस कंपनी को टारगेट दे रहा है, एक अच्छा खासा टारगेट रखा है, क्योंकि देखिए उसको पहले से सेल्स का रिपोर्ट सामने आ चुके, मतलब एक अंदाजा लग जाता है कि कंपनी किस तरीके से काम किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो माइनिंग जायंट है वो वेदंता जो है, वेदंता लिमिटेड ऑन मंडे के दिन यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड पेश किया ए रेज ऑफ 8% इन
इट्स प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक एंड ऑफ द आयरन ओरी बाय द 8%, तो सॉरी 18%, मतलब जिंक और जो निक जिंक और जो एल्यूमिनियम है उनमें कंपनी 8% तक यहाँ पे खुद का जो सेलिंग्स का ग्रोथ है वो 8% तक ग्रोथ किया, मगर सबसे ज्यादा कंपनी ने ग्रोथ किया 18% वो भी आयरन के ऊपर। तो एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखा और अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का ड्यूरेशन जो मार्च क्वार्टर बेसिस जो ड्यूरेशन है इसी के हिसाब से कंपनी पिछले सालों से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया। और एक चीज अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इन द जनवरी एंड मार्च पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 इन द कंपनीज कास्ट मेटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एट इट्स सिमुलेटेड सॉरी स्मेल्टर वाज 5,72,000 टन्स। तो कितना बड़ा एक फिगर यहाँ पे देखने को मिला, और आप 8% फ्रॉम 5,31,000 टन। तो सेम टू सेम जो फिगरेशन है वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, और सिर्फ आयरन के सिर्फ एल्यूमिनियम के नहीं, आप देखेंगे तो मतलब कंपनी जो आयरन है उसके ऊपर भी अच्छा खासा ग्रोथ किया और साथ ही साथ जिंक के ऊपर भी अच्छा खासा कंपनी सेल आउट किया। तो इतना शानदार ग्रोथ होने के बाद क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो पहले मैं डिस्क्लेमर एक जरूर दूंगा इस कंपनी के ऊपर। जो डिस्क्लेमर है, कंपनी का क्वार्टर थ्री जो रिजल्ट आने वाला है वो आप देखेंगे एक अच्छा खासा रिजल्ट, सॉरी क्वार्टर थ्री नहीं क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आने वाला है आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ इतना शानदार पेश किया, मतलब कंपनी अर्निंग भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखेगा। तो देखिए उसका कोई बात यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, कंपनी अगर एक्सपेंस ज्यादा कर देते हैं तो सेल करने से क्या फायदा, उसका एक्सपेंस से ही सारे पैसा चला जाएगा। तो यही बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे कंपनी से बहुत अच्छा खासा सेल्स कर रहा है, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा है, मगर उसका इतना ज्यादा कर्जा है, इतना ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है, तो उसका हाथ में प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में जा रहा है। तो यही चीज आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि सेल्स का रिपोर्ट देखना मतलब दिखाने का जो मेन कारण है, कंपनी सेल्स तो अच्छा किया, अभी देखना है क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आएंगे तब देखेंगे कि कंपनी किस तरीके से सेल्स को बढ़ाकर एक्सपेंस को कितना घटाया है, साथ ही साथ इसका जो इंटरेस्ट है कितना कम पे किया, उसके बाद हाथ में कितना मार्जिन बचा। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, देखिए कंपनी तो इंडिया का नंबर वन माइनिंग कंपनी है, और यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी बोल सकते हैं, ब्लू चिप कंपनी भी बोल सकते हैं, 1,56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हर डेटा इस कंपनी के पॉजिटिव लगेगा, कंपनी के पास कर्जा तो है जरूर है, मगर कंपनी इनकम भी जबरदस्त कर रहा है, 11,600 करोड़ तक कंपनी का इनकम है, कोई खराब इनकम नहीं है, अच्छा खासा कंपनी इनकम किया। और एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 19% है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो 20% है। तो ओवरऑल दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव में है, दोनों ही एक अच्छा खासा लेवल में दिखा है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम है, देखा जाए तो 1% से भी नीचे है, अराउंड 0.80 है, और कंपनी का इन्वेंटरीज जो डे है अराउंड 153 डेज यहाँ पे लग जा रहा है कंपनी को इन्वेंट कंपनी का जो प्रोडक्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो डेप्थ ऑफ सॉरी डेटर्स जो डे है, मतलब कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है इसका जितने सारे डेटर्स है उसके हिसाब से कंपनी 14.5 डेज में है हाथ में पैसा आ रहा है, बहुत अच्छा खासा टाइमिंग पीरियड है। और कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो डेज है वो 17.5, वो भी माइनस में है। यही सबसे एक नेगेटिव इशू मुझे लगा, क्योंकि इसका माइनस नहीं होना चाहिए था। और फिर भी देखिए कुछ पैरामीटर तो पॉजिटिव, कुछ पैरामीटर तो नेगेटिव रहेगा ही। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी बीच बीच में बहुत ज्यादा लॉस भी किया, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, 6,600 करोड़ का लॉसेस किया, मतलब कंपनी प्रॉफिट जैसे कर रहे हैं उस तरीके से लॉसेस भी करते आए हैं। तो साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न तो जरूर दिया, मगर उतना खास यहाँ पे रिटर्न नहीं मिला। हाँ एक साल में आप कहेंगे सर 82% तक रिटर्न मुझे मिला है, तो फिर भी मैं कहूंगा 82% रिटर्न, बहुत सारे कंपनी ने तो 200, 300, 2000% तक रिटर्न दे चुके हैं, बहुत सारे कंपनीज है जो 2000% तक रिटर्न दे चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न के चक्कर में आप निवेश कर दीजिएगा, तो आप पहले कंपनी के डिटेल्स के बारे में देखिएगा, उसके बाद आपको लगे हाँ कंपनी में निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो इन्वेस्टर भी देखिए एफआई जो है वो 8.5%, डीआईएस
पब्लिक सारे के सारे इन्वेस्टर के पास से पैसे मतलब इन्वेस्ट है। तो देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी जबरदस्त है, मगर आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी अगर झेलना है, मतलब इस तरीके से हाई मतलब रिस्क लेना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। आप लो रिस्क लेकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी नहीं है, क्योंकि अराउंड देखा जाए तो 70, 60, 70, 80% तक गिरावट वन टाइम में देखने को मिला। यहाँ पे भी देखिए गिरावट 70%, यहाँ पे भी 70%, यहाँ पे 80%, तो यहाँ पे भी अराउंड 50%। तो इस तरीके से गिरावट अगर आप झेल सकते हैं तो आपके लिए इस कंपनी ठीक रहेगा, नहीं तो आप इस कंपनी से दूर रहिए। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।